तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों ऑप्टिमस फाइनेंस की। इसमें आज वॉलेटिलिटी है, पहले बड़ी गिरावट आई है लेकिन फिर ये जो स्टॉक है अच्छी रिकवरी शो करता दिखाई दे रहा है और 10:55 AM पे ये स्टॉक 4.21% की रैली के साथ 96.39 की प्राइस पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखें, इस स्टॉक में कंटिन्यूसली वॉलेटिलिटी बनी हुई है। ये जो स्टॉक है 98 का लेवल रेजिस्टेंस है और लोअर लेवल पे 90 का लेवल एक जो है वो सपोर्ट जोन है। ये स्टॉक इन्हीं लेवल्स के बीच में कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है, वॉलेटाइल है। तो 1 मंथ में भी 2.9% की जो है वो रैली है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्टॉक है 95 का लेवल जो इसका लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करता जरूर दिखाई दे रहा है। और 6 मंथ में देखोगे 33% की रैली हो गई है, 1 ईयर में भी देखोगे 84% की रैली है। पहले इसमें क्या होता है दोस्तों, कंसोलिडेशन होती है, फिर सडनली एक ब्रेकआउट आता है, फिर लॉन्ग टर्म की कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, और फिर ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म की कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट शो करता दिखाई दे सकता है। आइए देख लेते हैं क्या इसके फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 5 ईयर्स में ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है, 750% के बढ़िया रिटर्न दे चुका है। करेक्शन के बाद इसकी एवरेज देखो ग्रो ही हो रही है। तो आइए इसका फाइनेंशियल डाटा, वैल्यूएशन का डाटा देख लेते हैं। नए आए हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले दोस्तों इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट ही स्टडी करते हैं। दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स देख लेते हैं दोस्तों। दिसंबर 23 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 26.36 आया है, जबकि सितंबर में इट वॉज 25.14, जून में इट वॉज 21.65। तो ये देख सकते हो जून के बाद कंपनी के रेवेन्यू में कंटिन्यूसली ग्रोथ ही हो रही है, क्योंकि दिसंबर 22 से लेके पहले जून 23 तक कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिर रहा था, लेकिन उसके बाद क्लियर एक वी शेप रिकवरी है। ओवरऑल जीरो ऑन जीरो बेसिस पे भी देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू 24.90 से बढ़के और 26.36 हो रहा है, मतलब कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब देखते हैं क्या कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, क्या कंपनी को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है, वहां पे भी ग्रोथ आई है। अब प्रॉफिट का डाटा शेयर कर देते हैं दोस्तों। कंपनी के प्रॉफिट में भी बहुत ही शानदार जंप आया है। पहले देखो दिसंबर 22 से लेकर सितंबर 23 तक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिर रहा था, लेकिन उसके बाद देख सकते हो एक क्लियर कट रिकवरी आई है। दिसंबर 23 में कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ही बड़ी ग्रोथ आई है। कंपनी का जो प्रॉफिट है 2.68 आया है, जो कि दिसंबर 22 में 1.77 था। तो जीयर ऑन जीयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब नेटवर्थ की बात कर लेते हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म में कंपनी का नेटवर्थ देखो कंटिन्यूसली ग्रो ही हो रहा है। 2019 से लेके 23 तक लास्ट 5 ईयर्स का डाटा कंपनी के एसेट्स में ग्रोथ ही शो कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी इंडिकेशन यहाँ पे मिल रही है। अब इसकी वैल्यूएशन देख लेते हैं दोस्तों। पीई मल्टीपल्स देखें तो 15 के है, इंडस्ट्री की पीई रेशो 18 की है और इंडस्ट्री के मुकाबले एक बड़ा डिस्काउंट भी इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन मिल रही है, वैल्यूएशन सही है, नंबर सही आ चुके हैं और आरओई परसेंटेज फंडामेंटल्स देखो, आरओई परसेंटेज 11% से ऊपर है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है और आरओई परसेंटेज भी बहुत ही बढ़िया ट्रेंड शो करती दिखाई दे रही है। तो फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी इंटैक्ट एंड वैल्यूएशन आर लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव। प्राइस टू बुक रेशो भी 2 के अराउंड चल रही है, कोई ज्यादा नहीं है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं दोस्तों। प्रमोटर के पास 53.89% का स्टेक है और जो रिटेलर है उनके पास 46.11% का स्टेक है। हाई प्रमोटर होल्डिंग है। कंपनी एक NBFC सेक्टर की कंपनी है और आप देख सकते हो कि एक तरह से इस स्टॉक में एक अब रिवर्सल का चांस जो है वो बनता दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म की, क्योंकि जैसे हमने पहले ही बताया है ये स्टॉक कुछ टाइम के लिए ब्रेकआउट शो करता है, फिर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन होती है। तो यहाँ पे भी देखो लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक सडनली ब्रेकआउट इस स्टॉक में आ सकता है, तो इसलिए आप इस स्टॉक में जो है वो अपनी पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हो। 5 ईयर्स में लॉन्ग टर्म में पहले ये स्टॉक बढ़िया रिटर्न्स बना के दे चुका है और आज जरूर वॉलेटिलिटी है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, कभी अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अब एक निवेश का बढ़िया मौका है दोस्तों। यहाँ पे देखो अभी इस स्टॉक में 4% की रैली थी लेकिन सडनली डाउनफॉल हो गया है, तो शॉर्ट टर्म में दिक्कतें रहेगी, जो ऊपर जाता है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म वाले निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका जरूर यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है। वो इजीली यहाँ पे जो है अपना एवरेज कर सकते हैं, सिप चालू कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अभी भी इस स्टॉक में 700% के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं। सो थैंक्स अगेन।